आज के निबंध का टॉपिक है मेरा प्रिय कवि। आज हम तुलसीदास जी पर निबंध लिख रहे हैं। मैंने अपने जीवन में अनेक कवियों की रचनाओं का अध्ययन किया है। उनमें से सूरदास, मीराबाई, रसखान, कबीर, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर आदि अनेक कवियों ने मुझे प्रभावित किया है। परंतु जिस कवि ने मुझे सर्वाधिक सम्मोहित किया है वे हैं गोस्वामी तुलसीदास। उनके काव्य में भरपूर रस और प्रेरणा विद्यमान है। तो आइए हम शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 को बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि जन्म से ही इनके दांत विद्यमान थे और उन्होंने उत्पन्न होते ही राम नाम बोला था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया। जन्म से दांत होने के कारण उनको अमंगलकारी समझा गया और उनका परित्याग कर दिया गया। फलतः इनका बाल्यकाल भयंकर कष्टों में बीता। उन्हें अनाथों की भांति दर दर भटकना पड़ा। संवत 1583 में रत्नावली नामक सुंदरी से इनका विवाह हुआ। वे पत्नी पर बहुत आसक्त थे। एक दिन वे पत्नी की डांट खाकर संसार से विरक्त हो गए। गुरु नरहरि ने उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी। उन्हीं की कृपा से तुलसी ने राम कथा का ज्ञान प्राप्त किया। भक्तों और संतों के प्रति उनके मन में गहरा पूज्य भाव था। उन्हीं के संगति में रहकर उन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया। वे अपने युग के श्रेष्ठ विद्वान और कुशल विचारक थे। संवत 1680 में उनका देहावसान हुआ। उनकी काव्य रचनाएं। तुलसीदास की काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामलला न छूहु, वैराग्य संदीपनी, वैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, गीतावली आदि। इनमें से रामचरितमानस उनकी विश्व भर में प्रसिद्धि का आधार है। उनकी भक्ति भावना की बात कर रहे हैं। तुलसी का महत्व इसलिए है क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में अपने समूचे जीवन को समर्पित किया, इसलिए उनका जीवन तीर्थ यात्रा के समान पवित्र बन गया। उनका जीवन राममय था। भक्ति का जैसा भाव विभल रूप उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकट किया है वह पाठकों को अभिभूत करने वाला है। उन्होंने श्री राम को ईश्वर का अवतार मानते हुए स्वयं को उनका दास माना। राम सो बड़ो है कौन, मौसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मौसो कौन खोटो। विनय पत्रिका और कवितावली में तुलसी की दीनता और विनम्रता साकार हो उठी। वे संसार की रिद्धि समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण राम की कृपा को मानते हैं। तुलसीदास जी के द्वारा भारतीय संस्कृति का चित्रण। तुलसीदास ने अपने महाकाव्य रामचरितमानस में भारतीय संस्कृति का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। श्री राम सौंदर्य और शक्ति और शील के अवतार हैं। वे आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और आदर्श मानव हैं। उनके चरित्र में मानव भारतीय परंपराएं जीवित हो उठी हैं। राजा का आदर्श बताते हुए तुलसी कहते हैं, जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तुलसीदास ने भरत को आदर्श भाई के रूप में, सीता को आदर्श पत्नी के रूप में और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी लेखनी के जादू से जिस भी पात्र को छुआ वह दिव्य बन गया। केवट, भिलनी, जटायु जैसे अंकिंचन पात्र तुलसी की भक्ति भावना का बल पाकर अमर हो गए। उनकी समन्वय भावना। तुलसीदास
राम भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के विरोध में नहीं हैं। उन्होंने वैष्णव और शैव दोनों धर्मों को बराबर सम्मान दिया, जीवन के सभी दृष्टिकोणों को आत्मसात किया। वे ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मार्गों के समर्थक थे। भाषा की दृष्टि से भी उन्होंने अद्भुत समन्वय किया। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। छंदों के क्षेत्र में एक ओर उन्होंने चौपाई दोहा शैली को अपनाया, दूसरी ओर कवित्व सवैया शैली का सुंदर निर्वाह किया। लोकमंगल, तुलसी ने लोकमंगल को सर्वाधिक महत्व दिया। वे भक्ति, कविता, ऐश्वर्य और जीवन की सफलता इसी में मानते हैं कि वे लोक हित के लिए काम आए। कीरति भनति भूल भल सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की भाषा सुंदरी की बात करते हैं। तुलसीदास की काव्य भाषा रसों और गुणों की खान है। काव्य में जितने भी गुण हो सकते हैं उन सभी के सशक्त उदाहरण उनके काव्य में देखे जा सकते हैं। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, उदाहरण आदि अलंकारों का तो कहना ही क्या। उनकी कविता मानो रत्न राशि है। सभी अलंकार, प्रतीक, मुहावरे आदि इतनी स्वाभाविकता से प्रयुक्त हुए हैं कि बनावटीपन का कहीं कोई नाम ही नहीं है। उनके काव्य में संगीत और प्रवाह का ऐसा मधुर संगम है कि आज तक के गायक उनके दोहे और चौपाइयाँ गा गा कर धन्य होते हैं। सूक्तियों के कथन में उनका कोई सानी नहीं है। उनकी भाषा इतनी सरल, सरस और माधुर्यपूर्ण है कि पाठक आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। तभी तो उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है। सुर ससि तुलसी रवि उडनु केशव दास।